आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज। इस समय हम अयोध्या की सरजमी पर मौजूद हैं और आज हम यहां पर जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि किसका भौकाल टाइट है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, यहां की जो जनता है, बाहर से लोग आए हुए हैं और इस वक्त हम राम की पौड़ी पर मौजूद हैं। यहां पर तमाम जगह से श्रद्धालु आते हैं और निश्चित तौर से अयोध्या की जो जमी है वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। तो यहां पर जो लोग आते हैं वो भी एक राजनीतिक मंशा रखते हैं और राजनीति की नब्ज को समझते हैं। आप युवा हैं, अगर बात करें कि इस समय जो देश में या प्रदेश की राजनीति है, चुनाव है, केजरीवाल आ रहे हैं अयोध्या, तो किस नजरिए से देखते हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पे ये सरकार फेल है, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे और धार्मिक रूप से सरकार फेल है। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, धर्म की बेरोजगार? बेरोजगार कुछ लोग पीछे से धर्म बोले। जी जी, हमारे लिए तो धर्म ही सबसे बड़ा सर्वोपरि है जी। तो धर्म के आधार पर आप खाना कैसे खाएंगे? वो भी हो जाएगा सब, जब धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो कुछ रहेगा बचेगा। एक अंधभक्त शब्द का यूज किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जी, हमारे हिसाब से तो धर्म है तो सब कुछ है। अच्छा जी, आप धर्म को सबसे प्रमुख मानते हैं। कुछ लोग और भी हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं भाई साहब? अगर रोजगार है तो सब कुछ है, रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ साधु संत भी हैं, साधु संत से बात करते हैं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कुछ युवा हैं हमारे साथ में, एक ने कहा कि धर्म, एक ने कहा बेरोजगार, आप बुजुर्ग हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? रोजगार भी मिलना चाहिए, धर्म का भी पालन होना चाहिए। आप धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। रोजगार होना चाहिए, बेरोजगारी में लोग, नौजुवक हमारे बहुत बर्बाद हैं और महंगाई भी बढ़ी है। इस मुद्दे से जो है देखा जाए तो सरकार का लोग, कुछ लोग मने तो क्या लगता था, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, इस बार का कुछ माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल अभी कोई लड़खड़ाए, कोई भाजपा का है, कोई अखिलेश का है, कोई किसी का है, तमाम लोग कैसे लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मंदिर के वो हैं, वो भाजपा के रहेंगे। तो आप लिखी जा रही है कि अखिलेश की सरकार में लिखी जाती है, लिखी जा रही है रिपोर्ट। तो अखिलेश ने डायल 100 चलाया भाई, किया तो हाँ। लेकिन नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। क्यों नहीं लिखी जाती थी? अब पता नहीं क्यों, भाई वो थाना बताएगा या वो बताएंगे, उनकी सरकार क्या नजर आ रहा है इस बार? क्या क्या अब माहौल बीजेपी ही रहेगी इस बार। आप पीछे तक कुछ कह रहे थे भाई साहब, केजरीवाल है भाई, हम बीजेपी की बात करेंगे। केजरीवाल जी भी उत्तर प्रदेश में, केजरीवाल वाले को तो हम लोग जानते ही नहीं है, जहाँ जमीन नहीं है। केजरीवाल जो है पानी भी फ्री कर दे तो तब भी नहीं आने वाले हैं। बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, पानी भी फ्री कर दे तो केजरीवाल नहीं आने वाले हैं। ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में आए, उससे नहीं, वो तो आए, बहुत लोग आए गए, आने वाले हैं नए नए हैं वो लोग, लेकिन बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। अच्छा, चुनाव में बात करें तो अयोध्या कितना प्रभावी रहेगी? चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहेगा भाजपा का। आप किस नजरिए से देखते हैं, बड़ा शांत खड़े हुए हैं। अगर बात करें भाजपा की, लोग, कुछ लोग भाजपा कह रहे हैं, यहाँ पर जो भक्त लोग हैं वो भाजपा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अखिलेश की। जो तोड़ी गई हैं, उनमें आग लगाई गई है, उनको राज्य सरकार अपने स्तर से सही कराए, पहुंचाया गया उसका मुआवजा देना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने यह हरकत की है, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उन पर ऐसी सजा होनी चाहिए कि एक एग्जांपल जो है वो सेट हो जाए, आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे। हमारा कहना यह है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर जो हिंसा हुई थी, हिंसा कभी भी हिंसा का जो है वो जवाब नहीं हो सकती। बांग्लादेश में जिन लोगों ने गलती की, चाहे वो मुसलमान हो, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी ये लड़कों ने ACM2 को एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें उन्होंने त्रिपुरा में कुछ चीज़ें हुई हैं, जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें कोई रिलीजियस प्लेसेस को भी वेंडलाइज किया है, तो लड़कों की ये डिमांड है कि जो वहाँ पर हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट की पूरी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी के बाद कानून के हिसाब से जो कल्पिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द।
इटावा के विकास भवन परिसर में हजारों की भीड़ में एक साथ एकत्रित हुई शिक्षकों के सभी संगठन इकट्ठे हुए, साथ ही विभिन्न अलग अलग विभागों के सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, रसोईया एवं लेखपाल संगठन भी एक साथ एकत्रित होकर संयुक्त मंच पर इकट्ठे हुए। चुनाव नजदीक आते ही अपनी मांगों को लेकर मैदान में दिखाई दिए। एक मंच पर, एक माइक पर सभी लोग अपनी मांगों को रखते हुए सरकार को धमकी दी और चेतावनी दी, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो इस बार 2022 के चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे और जो पार्टी अपने चुनावी एजेंडे में हम लोगों की मांग को शामिल करेंगे उनका हम सड़कों पर उतरकर समर्थन करेंगे। तेरा मानदेय 15,000 किया जाए बल्कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सरकार से मेरी यही मंशा है। चुनाव पूर्व जो सरकार ने 120 दिन में जो कहा था कि मैं उत्तराखंड के बराबर मानदेय कर देंगे, ये सरकार झूठी है और सारे वादे झूठे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि जो पोषण ट्रैकर ऐप चला रही है उसमें सरकार हमें कुछ भी नहीं दे रही है। क्या हम इस महंगाई में मोबाइल के लिए डाटा खरीदें कि अपने परिवार के लिए आटा खरीदें? 1 अप्रैल 2005 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारी पेंशन बंद की थी और तब से लेके आज तक हम लोग अनवरत आंदोलनरत हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। जहां तक संख्या बल का सवाल है, आप लोग देख रहे होंगे कि कम से कम हम लोग 7,000 की संख्या में यहां पर आज उपस्थित थे और अभी तो एक दिवसीय आंदोलन है। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो 30 नवम्बर को इको गार्डन में हम लोग बहुत बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में इको गार्डन को भरकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गंगा टीकरी धाम पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगने वाला है, तैयारियां चल रही है। प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने वहां जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। इस वक्त जनपद अमरोहा टीकरी गंगा धाम पर जहां मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तैयारी के साथ वहीं किसान खड़े हैं जहां टिकरी गंगा धाम पर, तो हम इनसे पूछते हैं इनकी राय कि किस तरह मेला लगाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो मैं पूछना चाहूंगा यहां खड़े किसानों से, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, जो मेले की तैयारियां चल रही हैं या प्रशासन जो मेला लगा रहा है इसके बारे में बताएं। यहां मेले में प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ ना कर रहा है, मतलब जिला पंचायत का अधिकार होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष से कह रहा है कि बोले मैं तो तहसील बल्ब बनाऊं। जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो कौन है यहाँ? वो है मतलब तमर। अच्छा, यहाँ अब तक कितनी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं? कितनी बार तमर जी के लड़के जो हैं, हमने तो ललित तमर जी, कितनी बार आपने नहीं देखा? तो क्या लगता है इस बार कुछ मेले में दमखम रहेगा या अपने जो आएगा अपने बल्ब आएगा? अच्छा, आपने उनसे बात की फोन पे? मैं जी फोन पे उठावा है, फोन ठारे हमारे जैसों का। क्यों आपको फोन नहीं उठाते? अच्छा, कुछ जैसे कि अभी हमें किसानों ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष मेले की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मगर प्रशासन अपना पूरा ध्यान मेले में जुटाए हुए हैं। के न्यूज से संजय कुमार, अमरोहा। देखो, जिला पंचायत अध्यक्ष से नाराज है ग्रामीण, उनकी खड़ी फसल को काटने का आरोप है। मेले की जमीन, इनकी जमीनों पर मेला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला पंचायत के खिलाफ जो अध्यक्ष है उनके खिलाफ नाराजगी है ग्रामीणों की। वो कहते हैं हम पैसों के बल पे कुछ भी करा सकते हैं, जिन्होंने वोट दिया उनको फोन नहीं उठाते हैं। अब बात करेंगे, शाह साधेंगे यूपी। और इसी बीच लखनऊ से खबर, गृह मंत्री अखिलेश के कामों की भी तारीफ कर रहे हैं। जब अखिलेश के कामों की तारीफ हो रही तो लोग वोट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कामों की तारीफ जो कर रहे हैं वो तो काम शुरुआत में किए थे, लेकिन जनता जो है काम कम देखती है, स्वयं का लाभ ज्यादा देखती है। बाकी इस बार का मुद्दा जो है वो महंगाई का मुद्दा है, लोगों का रुझान महंगाई की तरफ ज्यादा है। तो महंगाई का मुद्दा है तब तो भाजपा को वोट कम मिलेगा। अब ये तो जनता ने बताएगी, हम लोग क्या बता सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है किसका मतलब माहौल बना हुआ है, किसका भौकाल टाइट है? माहौल जो है अब जनता तय करेगी, हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं तबके के, अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग तबके की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है भाजपा के साथ रहेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश ने काम किया था। अभी भी कुछ लोगों से अभी मैंने बात की, कुछ लोग अखिलेश के काम को कह रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा था कि बेरोजगारी मुद्दा है, और मुद्दों की बात करें कि चलिए बेरोजगारी और धार्मिक
धार्मिक बातों को छोड़ दिया जाए, जो कानून व्यवस्था है, योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं, उनसे कितना प्रभावित? वो सब योगी जी का काम सही है, सब टोटल काम सही, सुरक्षा व्यवस्था हर एक चीज सही है, कानून व्यवस्था में। अच्छा नहीं, आपने तो बिल्कुल भाजपा को जिताने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, भगवा बांध लिया है सर पे और आप भाजपा को जिता के रहेंगे, पर अच्छा ये बताइए कि कमी क्या है? एक तो कमी लगती होगी क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। देखिए हमारे हिसाब से तो सब कुछ सही है, जो जिस हिसाब से जो काम हो रहा है अयोध्या के पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है, शासन प्रशासन सब कुछ सही से ढंग से चल रहा है, इतना गुंडई ये सब था वो सब इस समय तो बहुत नॉर्मल है। अरे हाँ, वो लखीमपुर में घटना हो गई, हाथरस में घटना हो गई, इनको किस तरह से? वो तो सब राजनीति वाले हैं, वो तो राजनीति का है, वो लोग चाहते हैं किसने किसी तरह से भाजपा को बदनाम किया जाए। ये तो लखीमपुर के हमारे साथ में युवा हैं, उनको लगता है आपका वोट डालते हैं कि आप वोट डालने की स्थिति में है कि नहीं? बिल्कुल वोट डालते हैं। क्या कितने उम्र है सर? उम्र हमारी 19 साल। 19 साल है, यानी कि इस बार आप पहला वोट करेंगे? जी, लोकसभा में वोट डाला था? लोकसभा में नहीं दिए हैं अभी तक, लेकिन कर चुके हैं। ये इस बार पहला वोट डालने जा रहे हैं, पहला वोट किसको जाएगा? अब पहला वोट सर हम तो सबसे पहले देश के लिए रखेंगे, देश का मुद्दा, जिसके लिए देश, जो केंद्र सरकार हमारी अच्छी है। मान लिया अगर प्रदेश सरकार कुछ गलत कर भी सकती है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं। इस बार प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश में किसको जिता रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए देश इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा कुछ बिगड़ भी रहा है तो उसमें हम देश को देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि। कुछ आपके फ्रेंड भी हैं, उनसे बात करेंगे, या आपके सब फ्रेंड इस साथी में पढ़ते हैं? अगर बात करें कि आप, जैसे कि आपके मित्र ने बताया कि आप लोग पहली बार वोटर हैं, पहले वोटर हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं? क्या कि भौकाल टाइट है, किसका टाइट है? नहीं, देखिए बात भौकाल की नहीं होती, जैसे कि भाई ने भी बोला कि बात राष्ट्र की है, तो फिलहाल हम लोग पूरा रूढ़ियों पे नहीं जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या कौन भाजपा वाला है, कौन कांग्रेस वाला है, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि विकास से मतलब, देखेंगे ग्राउंड पर किसने क्या किया। बाकी जो हम स्टूडेंट्स, देश की सभी पार्टियां हैं, सभी राष्ट्रवाद की बात करती हैं, सभी का कहना है मतलब देश होगा तभी तो राजनीतिक पार्टियां होंगी, तो देश के मुद्दे पर तो सभी लोग एक हैं, तो आप लोग किसको सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी मानते हैं? ये पार्टियां कुछ नहीं करती, पार्टियों का मेन चीज होता है कि जनता के लिए कौन क्या कर रहा है, तो वही चीज है कि जो ज्यादा करेगा वो तो बात बताइए। एक देश में दो कानून हो सकते हैं? एक देश में दो कानून हो सकते हैं, आप बताइए, हो सकता है ना? यहाँ तो थे ना 370 के पहले थे? हटाया गया तो देश के लिए ही था ना, तो हम लोग राष्ट्र देखेंगे, अपना पर्सनल नहीं देख सकते ना। तो आप लोगों के लिए राष्ट्र ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वोपरि है। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या? नौकरी नहीं मिलेगी कोई जरूरी है, नौकर बनना जरूरी है। वही चीज मोदी जी से प्रभावित है, मोदी लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी ने युवाओं को पकौड़े तलने को कह दिया, तो युवाओं को पकौड़े तलेंगे तो अपने मन के हैं, नौकरी करेंगे तो नौकर बनना जरूरी है या मालिक बनना जरूरी है? बहुत अच्छे विचार हैं आपके कि आप जो हैं आप मालिक बनना पसंद करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ये युवा हैं हमारे साथ में जिन्होंने बताया पहली बार वोट देने जा रहे हैं, पर वो राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे और उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि रोजगार मिले ना मिले, वो राष्ट्र के लिए जो बातें करेगा उसको वोट देंगे। आप कितना सहमत हैं? सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, हर राजनीति में हर लोग अपनी विचारधारा रखते हैं, जैसे जहाँ जिसकी सोच होती है वैसा करता हूँ। रही बात प्रेजेंट टाइम में, बेरोजगारी में सरकार पीछे है और जो विचारधाराएं हैं लोगों का अपने दस पर। वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो अभी जैसी अभी समय आएगा वैसा देखा जाएगा, पर अगर देखा जाए कि जो प्रमुख दल हैं बसपा है सपा है, आप लोग सपा और भाजपा की तुलना करते हैं, बसपा भी प्रमुख दल है, बसपा के बारे में क्या लग रहा है? नहीं कोई विचारधारा है नहीं। क्यों? बसपा मजबूत पार्टी है, किसी भी विचारधारा नहीं है। सरकार के आदमी है, हमारा ये जन्मभूमि बनवा रहे हैं, हमारा ये सब ये अयोध्या नरेश है, हम लोग अलग वोट दे सकता हूँ, भाजपा के रहेंगे और भाजपा भी हमारी सबकी मजदूरी भी चेतेगी, हम मजदूर लोग बैठेंगे भी नहीं। मनरेगा में काम करते हैं, ये योजना कांग्रेस की लाई हुई ना, ये है क्या बोलते हैं, ये भाजपा का लाई हुई है। अच्छा, अब ये जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, जो इनका बात है वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। इनका कहना है कि भाजपा मनरेगा लाई थी। आप लोग अभी हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे भाई? अरे इन लोगों को यही नहीं पता कि कौन योजना कौन लेके आया, यही अंधभक्त है। देश के लिए हर दल सभी ने काम किया है, आज चाइना घुसा चला आ रहा, वहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है।
तो कुछ लोग अभी युवा हमें मिले थे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो नव युवक हैं वो तो राष्ट्र के नाम पर भाजपा वोट दे रहे हैं। तो वो पकौड़ा तलेंगे तो मिसाइल कौन बनाएगा जब नौकरी नहीं करेगा, इसरो नहीं रहेगा, वो सब संस्थान नहीं रहेगा, पकौड़े तलने से देश चलता है। इसरो वगैरह तो प्रधानमंत्री जी बड़ा प्रभावित रहते हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार इसरो जाते रहते हैं, तमाम चीजें तमाम एक्टिविटी में आगे रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने रेलवे भी प्राइवेट कर दिया है, उसमें किसको दिक्कत होगी, देश के युवाओं को दिक्कत होगी। अच्छा वोट किसको कर रहे हैं ये बता? वोट तो समय के हिसाब से किया जाएगा, अभी नहीं सोचा। केजरीवाल जी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे? केजरीवाल यहाँ बेकार है, कोई भी जो सामान फ्री में देगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो फ्री में तो सब देने की बात कर रहे हैं, अखिलेश ने लैपटॉप दिए थे और प्रियंका जी बता रही स्कूटी देने को। नहीं तो कहने से नहीं होता, जीतने के बाद देंगी ना, ये सब होने वाला थोड़ी। अभी हो सके सरकार बेरोजगारी पे उस पे कदम उठाए, अब देखा जाए। अब क्या उठाएंगे 4:30 बजे? नहीं अभी हो सकता है कुछ करें, चुनाव के लास्ट में सब कुछ होता है। तो आप आशान्वित हैं कि आखिरी साल है, आखिरी साल में कुछ बेहतर हो सकता है? तो बताया ना आपसे, चुनाव के ही पेड़ में जो भी कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद तो कुछ नहीं करने वाला कोई है। जो भी आश्वासन लुभावना लोगों को लालच, चुनाव ही पीरियड चलता है। चुनाव इसी चुनाव में इसी सरकार ने कितने कितने सारे वादे किए, क्या किए आप सभी जान रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी है। तिवारी जी क्या लग रहा है कि किसका माहौल है? स्पष्ट भाजपा की सरकार बनेगी, क्लियर। ये प्रियंका जी और अखिलेश जी ये सब इतनी मेहनत कहाँ रहेंगे, कहाँ के हैं लोग? इतना सीट है इनका, उससे भी कम आएगा। तो काहे इतना काहे, आप तो बेरोजगारी और तमाम चीजों को लेकर इतने मुद्दे। आजकल बेरोजगारी आदमी नहीं देख रहा है, सरकार देख रही है सरकार की मंशा क्या है। सरकार अपने मंशा में कामयाब है, जनता भी कामयाब है, क्लियर। जी बिल्कुल, यहाँ पर राम की पौड़ी पर जहाँ पर कुछ भक्त भी हैं राम की श्रद्धा को लेकर, ये तमाम लोग आए हुए हैं, लेकिन सबका एक तौर से स्पष्ट तौर से ये कहना है कि बेरोजगारी को लेकर जहाँ कुछ युवाओं ने जरूर बात की, लेकिन अगर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर बात की जाए तो सभी भाजपा को समर्थन देते नजर आए। अब ये देखना होगा कि जो यहाँ के अयोध्या के लोग हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, वो जब चुनाव आता है तब वो किस तरह से वोट देते हैं। हालांकि जब उनसे वोट देने पर बात की जा रही थी तो वो कुछ भी इस तरह से स्पष्ट नहीं बता रहे थे कि किसको वोट दिया जाएगा या किसको वोट देंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि भाजपा को लेकर यहाँ पर लोग जो हैं आशान्वित हैं। और कुछ जैसे युवाओं से भी बात हुई तो उन्होंने भी कुछ स्पष्ट तौर से कहा कि जो राष्ट्र की बात करेगा उसको हम वोट देंगे। तो भाजपा राष्ट्र के नाम पर लोगों को ये बताने में कामयाब हो रही है कि वो राष्ट्र की बात करते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या जो यहाँ के जो तमाम युवा थे या जो यहाँ पर पहुंचे थे उनका कितना जो स्पष्ट जनादेश है या जो वोट देने की बात कर रहे थे वो वोटों में तब्दील हो पाता है या नहीं। अयोध्या से सत्येंद्र के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा, इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलके दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे